हेलो बच्चों, आज वीडियो की बात शुरू करने से पहले आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो बच्चा या जो साथी आपका फ्रेंड जो सेलेक्ट हो रहा है वो जीनियस था इस वजह से सेलेक्ट हो गया, या उसका दिमाग पैदाइशी वो ब्रिलियंट था कि वो तो 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पढ़ता था और सब याद हो जाता था और वो एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर लेता था। आपको ये कतई मत सोचना है। क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है जी हाँ, हो सकता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ लोग दिमाग से तेज हो सकते हैं, लेकिन हमको वो फैक्टर अपने दिमाग में नहीं लाना है। हमें सीधा ये सोच के चलना है कि जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे हार्डवर्क से और हमारी प्लानिंग से। अगर प्लान किया हुआ हार्डवर्क जो कि स्मार्ट वर्क में तब्दील हो जाता है वो अगर हम लोग करते हैं तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ये कभी मत सोचिएगा कि आप से बेहतर कोई इस वजह से है क्योंकि वो पैदा ही इस तरह हुआ है। डोंट थिंक लाइक दिस। बात करते हैं घंटों की, क्योंकि कई बच्चों का ये कहना था कि सर थोड़ा सा सजेशन या विचार दीजिए कि कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लाने हो, जेई में सिलेक्शन चाहिए हो या नीट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन चाहिए हो तो कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ दो बातें मैं करूँगा, मैं बताऊँगा अपनी राव कि कम से कम आवर्स में, घंटों में कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन पढ़ाई का मामला केवल घंटों में तौलना ये ठीक नहीं है। पढ़ाई का मेजरमेंट केवल घंटों में करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ क्या है। अगर मोबाइल या ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत बच्चे ऑनलाइन असिस्टेंस या हेल्प लेते हैं, उस समय आप फोकस्ड स्टडीज पर ही हैं या आप कहीं और निकल लिए हैं मोबाइल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो भी वीडियोस देखने लगे दूसरे एरे गहरे दाएं बाएं के जो आपके टाइम को किल कर रहे हैं। तो यहाँ दो बातें आती हैं, मैं बहुत ही शार्प तरीके से और छोटे तरीके से बात रखूँगा। एक तो क्वालिटी ऑफ टाइम जो आप ले रहे हैं पढ़ाई के लिए वो फोकस्ड होना चाहिए पढ़ाई पर ही। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है, मैं स्कूल बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 12th में जा रहे होंगे या 10th में जा रहे हैं या 11th में जा रहे हैं, उस स्कूल के होमवर्क को पढ़ाई में मत जोड़िएगा, क्योंकि नॉर्मली जो होमवर्क स्कूल से मिलते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते, केवल लीपापोती होती है, चाहे आप अपने किसी दूसरे का कॉपी लेके छाप रहे हो या कहीं इंटरनेट से डाउनलोड करके कुछ लिख रहे हो। तो बहुत ज़्यादा उस पर ये सोचना कि मैं अगर होमवर्क कर रहा हूँ 3 घंटे दिन में या 4 घंटे या 2.5 घंटे तो वो मेरी पढ़ाई है, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए दिमाग से। दिमाग में ये लेके चलना है कि जो हम सवाल लगा रहे हैं, हम चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई और सब्जेक्ट आपने डील कर रखा हो, उसमें जो आप पढ़ रहे हैं अपने लिए वही क्वालिटी टाइम है। तो ये ध्यान रखने की बात है, बहुत बच्चे से भ्रमित रहते हैं, क्योंकि आपका अपने प्रति क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिलेक्शन या मार्क्स ज़बरदस्ती पढ़ा पढ़ा के नहीं लाए जा सकते हैं। अगर अंधा चुकी आ भी गए, बाईदा तुक्का लग गया, तो आने वाले सालों में जब आप 12th से आगे बढ़ेंगे, जेई में सेलेक्ट होंगे तो इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, तो वहाँ सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद ये महसूस करें, एक प्लान बना लें। कई बच्चे इसको टाइम टेबल कहते हैं, लेकिन टाइम टेबल के लिए भी मैं बता दूं, कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं कि घिसे और जिन निकले और आपको ऐसा एक रेडीमेड टाइम टेबल दे दे जिसको फॉलो करके आप टॉपर बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। दिमाग में ये रखिए कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, ये नहीं सोचना है फिर कि मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ थोड़ा उधर कर लेता हूँ। कई स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि ह्यूमन बींग्स का दिमाग 45 मिनट तक बहुत तगड़ा फोकस रहता है, उसके बाद थोड़ा सा फोकस में कमी आती है, तो आप उस पर ब्रेक ले सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना रहता है, क्योंकि अधिकतर एग्जामिनेशंस हमारे पैटर्न के 3 घंटे के होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, तो हमको तो फाइनल मैच 3 घंटे में खेलना है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा फोकसिंग अप्रोच
ज्यादा से ज्यादा बढ़े और 3 घंटे तक हम सस्टेन कर सकें, ध्यान लगा सकें। मेडिटेशन भी थोड़ा बहुत आप इससे कर सकते हैं। तो आप प्लानिंग कीजिए अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, कोर्स को देखते हुए, और एक साथ जब पढ़ने बैठें तो कोशिश कीजिए कि शुरू में अगर 45-50 मिनट तक खींच पा रहे हैं तो उसको 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा थोड़ा खींचिए जहां तक खींच पाइए, जिससे कि जब 3 घंटे का पेपर देने के लिए आप मैदान में उतरें तो अच्छा कर पाएं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि फला बच्चा 3 घंटे में कर लेता है तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाए कि मुझे वो चीज करने में 4 घंटे लगते हैं। हर आदमी का एक तरीका होता है, आप अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये जरूर है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो कंपटीशन ना हो कि ये रहता है कि नंबर सबने अच्छा किया तो सबको मार्क्स मिल गए, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जेई और नीट में माइंडसेट दूसरा लगाना होता है कि अगर दूसरे के 100 नंबर आए हैं तो आपके 101 आने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके कम आने चाहिए, लेकिन आपके उससे ज्यादा आने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन उससे बेटर होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर घंटों की बात करें, अगर ये मान के चलूं कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग आप कर रहे होंगे, समय बर्बाद आप बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, फोकस कर रखे होंगे, प्लानिंग होगी। एक मोटे तौर पर अगर आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 5 घंटे की पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब है होमवर्क हटाकर, अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई रोज कर रहे हैं, देखिए घंटों से ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, यानी रोज पढ़ना। तो कभी अगर आप थके हैं, मन कम है, तो 5 घंटे की जगह आप 4 घंटे पढ़ लें, 3 घंटे पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें, लेकिन स्किप ना करें डे, क्योंकि हैबिट बनती मुश्किल से है और टूटने में तो कुछ ही दिन लगते हैं। तो आप किसी दिन आपका मन नहीं है थकावट की वजह से या कोई ऐसी बात है जो आपको रोक रही है पढ़ने से, जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप पूरी पढ़ाई ना करके आधी कर लें या उसकी आधी कर लें, लेकिन एक टेस्ट पढ़ाई के दौरान जारी रखें। तो 5 घंटे का वक्त मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लाने के लिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी वो देखे जाएगा। रही बात जेई की, तो जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस में कम से कम आपको 7 से 8 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर कहीं मान लीजिए आप स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हो, घर पे जाते हैं, तो कोचिंग के अलावा समय निकालना है, कोचिंग में जो भी समय आप निकाल देंगे, अगर दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके अलावा आपको 8 घंटे का वक्त देना चाहिए। एवरेज मैं बता रहा हूं, कोई बच्चा ज्यादा देना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम समय देंगे तो दिक्कत होगी। रही नीट एग्जामिनेशन की बात, तो नीट में भी ऐसा ही करना है, नीट में भी आपको 8 घंटे का वक्त देना है डेली। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी किसी वजह से ड्यू टू हेल्थ इश्यूज या ड्यू टू एनी अदर इश्यूज कहीं जाना पड़ गया या आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, तो 8 घंटे की जगह आप 6 घंटे पढ़ लें, 6 घंटे नहीं बन रहा है तो 4 घंटे पढ़ लें, 4 घंटे भी नहीं बन रहा है तो 3 घंटे पढ़ लें, लेकिन उस डे को ब्लैंक ना छोड़ें। माई पॉइंट इज दिस कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है एक काम भर की, ऐसा नहीं कि 15 मिनट पढ़ना है। तो आप इस तरह अगर जारी रखेंगे अपनी पढ़ाई तो मुझे लगता है कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी और समझने की कैपेसिटी अलग होती है, तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट में हैवी डोज ना लें जिससे 15-20 दिन बाद आपका डर बैठ जाए कि यार इतना मुझसे नहीं हो पा रहा है। कभी कभी बच्चे ऐसा भी करते हैं और ये मैंने खुद किया है, अक्सर एग्जामिनेशन में हम लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट के 15 दिन में जी तोड़ मेहनत करते हैं, प्रेशर होता है अपने ऊपर और सारी चीज भूल के मेहनत करते हैं, बहुत कुछ सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन वो 15 दिन की जो पढ़ाई है वो साल भर ऐसी नहीं की जा सकती, थकावट हो जाएगी और मेंटल हेल्थ स्क्वीज हो जाएगी, तो वो नहीं करना चाहिए। प्लानिंग कीजिए और शांति से रोज पढ़िए, एक बेंचमार्क एवरेज होना चाहिए कि भाई नीट जेई का बच्चा है तो 8-9 घंटे तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा पकड़ लें, बोर्ड का बच्चा है तो 5 घंटे जाएगा, 8-9 घंटे के अलावा थोड़ा बहुत कभी कम, थोड़ा बहुत कभी ज्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी पढ़ाई निकलनी चाहिए। ध्यान रखिएगा दिन को स्किप नहीं करना है, अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते चलेंगे जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो मुझे यही कहना था बेटा, जब भी पढ़ाई कीजिए मुस्कुरा के कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं कोई बहुत मेहनत का काम करने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में ये फीलिंग आएगी इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज़ अ वेरी कोई इंटरेस्ट वाली जॉब नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको उस काम में और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है, पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, पढ़ना है ही,
जब किसी काम को करना ही है तो मुस्कुरा के करें, ना कि छोटे मन से, जिससे एक्साइटमेंट बना रहे। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में जरूर लिख के मुझे बताइए कि जितना इंपॉर्टेंट घंटे हैं पढ़ाई के, क्या उतना ही इंपॉर्टेंट फोकस करना भी है, यानी क्वालिटी ऑफ टाइम जो आप दे रहे हैं अपनी स्टडीज में वो भी उतना ही जरूरी है। जरूर लिखिएगा, और अगर आप ऐसी फॉलो करते हैं इतने घंटे की पढ़ाई जो मैंने आपको बताई, जरूर सफलता मिलेगी और आप फ्लाइंग कलर्स में विनर के रूप में आएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे आप जरूर सफल हो अपने जीवन में और खूब आगे बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।